अलग अलग विषय पर जो आर्टिस्ट अकबर साहब ने उनका दृष्टिकोण में ये चित्र आज देश के सामने जनता के सामने दिया गया है। मैं मानता हूँ अकबर साहब जो आर्टिस्ट किया है उसमें रियल लाइफ दिखता है, अच्छे आर्टिस्ट भी दिखता है, अच्छे ह्यूमन भी ह्यूमैनिटी भी दिखता है। इसलिए जो प्रॉब्लम्स फेस किया नरेंद्र मोदी जी वो भी बताए, जो सक्सेस स्टोरीज है उनके लाइफ में एज ए चीफ मिनिस्टर, एज ए प्राइम मिनिस्टर, एज ए पर्सन जो सक्सेस स्टोरीज है वो भी ये चित्रकार ने उनके पेंटिंग्स के द्वारा आविष्कार किया है, जो अकबर साहब को और राजू मीनन जी को धन्यवाद देता हूँ। बहुत मेहनत करके वो दुबई में रहते हैं, मूल हिंदुस्तानी है मगर अभी दुबई में रहते हैं। दुबई में रहते हुए देश का प्रधानमंत्री के बारे में क्या काम हो रहे, लोग क्या सोच है, प्रधानमंत्री जी कैसा काम कर रहे, दुनिया में प्रधानमंत्री जी के बारे में दुनिया के लोगों का क्या सोच है, ये सब इसमें उनका पेंटिंग्स में बताए गए। जो न्यूज़ देख रहा था तो मुझे इंस्पायर्ड हो गया कि जो गुजरात मॉडल्स हैं, कि जो वहाँ से मोदी साहब के ऊपर मैंने स्टडी करता रहा, और 2014 पे जो उनका जो स्पीचेस प्राइम मिनिस्टर के लिए जो स्पीच जो मैंने सुनता रहा तो वहाँ से मुझे ज़्यादा प्रेरणा मिली। तो फिर मैंने उसी टाइम सोचा था कि जो प्राइम 2014 से पहला है शायद मोस्ट प्रॉब्ली यही पीएम बनेंगे। जो तो सही हो गया इस एग्जीबिशन में अपने हर पोस्टर में अलग अलग तरह से आपने दर्शाया गया है मोदी जी को, मोदी जी के काम को, तो क्या क्या है इस समय कितने पोस्टर हैं? जो मैंने हर पेंटिंग में अलग अलग थीम लिया हुआ है कि जो मोदी साहब ने जो स्पीचेस में बताए हुए हैं और उन्होंने जो जो काम किए हुए हैं वो हर काम के ऊपर एक एक थीम रख के मैंने पेंटिंग बनाई है। तो वो मैंने 55 पेंटिंग बनाया हुआ है, तो करीबन 3.5 साल लगे।